हेलो स्टूडेंट वेलकम टू स्वामी इंस्टीट्यूट माय नेम ने निर्दोष कुमार जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिकल साइंस मैथमेटिकल साइंस में जो टॉपिक चल रहा था वो था न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे डेरिवेशन किए हुए थे हम लोगों ने सिमसन वन थर्ड ट्रपोजाइडल्स आज इसका लास्ट डेरिवेशन है सिमसन थ्री एट थ्री एट न्यूमेरिकल इंट्रीगेशं आज के न्यू टॉपिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इंट्रीगेश सिम्पसन थ्री एट फॉर्मूला थ्री एट फॉर्मूला थ्री एट फॉर्मूला थ्री एट फॉर्मूला अब जो थ्री एट फॉर्मूला है एक्चुअली हमने जो ट्रोपोजा डल किया हुआ था और किया हुआ था, बेस किस पे था और इसके पहले जो हमने जो डायरेक्शन किया हुआ था वो था मेरा क्या न्यूटन कॉट्स कॉर्डरेचर फॉर्मूला न्यूटन कॉट्स कॉर्डर फॉर्मूला उसी फॉर्मूले पे सारे के सारे डेरिवेशन बेस्ड होते हैं तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं एक्चुअली बोला क्या जाता है इफ वी पुट इफ वी पुट एन इज इक्वल टू थ्री न्यूटन कॉट्स कॉडरेचर फॉर्मूला इन द फोर्थ इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, फोर्थ इंटरवल इंटरवल वाई कोमा एक्स एक्स वन वाई टू वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री पहला इंटरवल दूसरा तीसरा चौथा एक्चुअली अब ये सब तो चलो ठीक है हमारे पास है कोई इशू नहीं है आपके पास थ्री इंटर वाले आपके पास पहला दूसरा तीसरा चौथा क्योंकि ये अलग अलग टर्म्स में रखा जाएगा चीजों को आपके पास यहाँ पे है ना तो हमने फोर्थ इंटरवाले पहले इनिशियल फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो आपका हो जाएगा चीजों को इसके बाद से टू बी कंटिन्यू न्यू अपर लिमिट अपर लिमिट एक्स नॉट प्लस थ्री एच टू लोअर लिमिट 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 एक्स नॉट एक्स नॉट एक्चुअली अब न्यूटन्स का फॉर्म क्या होता है न्यूटन कॉटेज फॉर्मूला फॉर्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एन एच ब्रैकेट वाई नॉट प्लस एच बाई टू डेल वाई प्लस एन स्क्वायर बाई थ्री माइनस एन बाई टू डेल square y naught plus factorial 2 factorial 2 del q y naught n to power 3 by 4 n square plus n factorial 3 plus dot dot dot. you formula differentiate fourth addition fourth derivative डेरिवेटिव डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, फोर्थ डिफरेंशियल, ऑर्डर आर जीरो एक्चुअली जो फोर्थ डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन से वो जीरो हमने सिमसन में क्या किया था हमने थर्ड uh, जीरो किया था ट्रोपोजल में क्या कहता था हमने सेकंड ऑर्डर को जीरो किया था तो आज हमारा क्या है ए है हमारा सिमसन थ्री एट अब थ्री एट में क्या हमको फोर्थ ऑर्डर को यहाँ पे जीरो करना है इतना क्लियर हो गया बेटा बच्चे इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ यस या नो तो जब हमको अब इस, इसको इक्वेशन हम यहाँ पे वन मान लेते हैं वन मान लेते हैं तो आई एक्स नॉट एक्स नॉट प्लस थ्री एच एफ एक्स इंटू डी एक्स यही होगा चीजों को इक्वल इक्वल टू टू अब एन मुझे रखना है यहाँ पे कितना थ्री पुट करना चीजों को तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं थ्री एच थ्री एच जब हम थ्री एच पुट कर रहे हैं चीजों को यहां पे तो मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है यहां पर चीजों को ई नॉट प्लस थ्री बाई टू डेल वाई वन प्लस नाइन डायरेक्ट रख दो ना यहां पर डेल स्क्वायर वाई नॉट बाई टू ए टू नाइन बाई थ्री और थ्री बाई टू प्लस डेल पावर क्यू वाई नॉट फैक्टोरियल थ्री इसमें कितना हो जाएगा क्यू तीन की वैल्यू रख रहे बेटा यहाँ पे तो हम यहाँ पे सत्ताईस ट्वेंटी फोर बाई फोर माइनस नाइन प्लस थ्री इतना ये चीज है बेटा हमारे पास हमारे पास इतना निकल आएगा चीजों को पहले तो बेटा आप इतना चेक कीजिए कितना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इसको उतारिए फिर बेटा हम और आगे करते हैं चीजों को हाँ बेटा हो गया तो ना इतना अब बेटा इसको आप एलसीएम में लिख सकते हैं चीजों को कितना होगा चीजों को थ्री एच वाई नॉट प्लस टू थ्री वाई टू इसको हम लोग लिख सकते हैं चीजों को क्या वाई माइनस वाई नॉट अब पहले इसको आप एल बराबर कीजिए एल्सियम कितना आएगा सिक्स अठारह नौ प्लस चार सत्ताईस नौ जो छत्तीस प्लस चार थी बारह इन सबको ऐड कर देंगे अब यहां पर चीजों को हम भाई वाई नॉट प्लस थ्री बाई टू ब्रैकेट वाई माइनस वाई टू प्लस कितना आएगा नाइन थ्री बाई एले डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई नोट बाई टू इंटू सिक्स इंटू नाइन यस यहां पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं चीजों को अभी कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं और डेल क्यू नॉट पाई फैक्टोरियल ट्वेल्व और थर्टी नाइन थ्री थ्री बाई फोर जीरो था ये तो जीरो था यहाँ पे कोई कोई सुनाई आप पास अब इतना ब्रैकेट में आने के साथ साथ अब मैं इसकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ जीरो को जो डेल स्क्वायर है यहां पे हम क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर की वैल्यू को लिख सकते हैं यहां पे डेल स्क्वायर To, इसको हम ऑलवेज लिख सकते हैं चीजों को बेटा थ्री वाई नॉट की वैल्यू यहाँ पे चीजों को वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई नॉट इतना इस सारी की सारी वैल्यू बेटा हमारे पास अब और डेल क्यू नॉट को हम इतना लिख सकते हैं ये तो आपको मैंने बताया हुआ था जिस प्रकार से आप इस प्रकार को लिख रहे हैं पे स्क्वायर है तो आपका अलग टर्म से चलेगा चीजों को यहाँ पे ठीक है यहाँ क्यू है तो अलग टर्म से लेगा इसको हम इक्वेफन नंबर टू मान लेते हैं इसको हम इक्वेफन नंबर यहाँ पे टू मान लेते हैं चीजों को ठीक है ये नो इतना क्लियर हुआ जब टू मान लेते हैं चीजों को यहाँ पे तो इसको और कैंसिल आउट कर दीजिए पहले तो आप यहाँ पे टू बाई थ्री मतलब थ्री बाई फोर हो जाएगा ये इसको हम और कैंसिल आउट कर लेते हैं थ्री इंटू टू कैंसिल आउट यहाँ पे तो कितना बचेगा यहाँ पे आइट एट बचेगा अब फॉर्मूला क्या था थ्री एट अभी देखिए यहाँ पे एट कॉमन आएगा चीजों को हाँ आई थ्री एच वाई नॉट प्लस थ्री वाई टू वाई वन माइनस वाई नॉट प्लस थ्री वाई फोर्थ थ्री बाई फोर्थ थ्री बाई फोर्थ थ्री बाई फोर्थ हो गया इसकी बेटा इतना लिख सकते हैं y2 टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट इतना हो गया प्लस वन बाई एट अब इसकी जगह तक क्या रख सकते हैं चीजों को हम यहां पर वाई थ्री माइनस टू वाई थ्री टू वाई टू प्लस थ्री वाई वन वाई थ्री माइनस वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई नॉट इतना इतना चीजों को यस ये नो इतना क्लियर हो गया इतना बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना चेक कीजिए आप लोग इतना क्लियर हो गया चलिए अब इसमें लेते हैं बेटा क्या सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं यहां पे एलसीएम इन सबका एल्सियम बेटा कितना आ गया यहां पे वन बाई एट ये सबका बेटा एलसीएम वन बाई एट तो एट को बेटा हम बाहर ले लेंगे तो थ्री एच बाई एट आ जाएगा इतना तो एट बेटा यहां पे हो जाएगा एट वाई नॉट प्लस यहां थ्री से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि तीन बार कट करेगा ये छह चार बार चार थी बारह वन माइनस वाई नॉट प्लस दो बार कट करना थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई नॉट ये आ गया और ये ब्रैकेट्स और ये ब्रैकेट बैठे को हम इसको और थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं एट वाई नॉट प्लस ट्वेल्व वाई वन ट्वेल्व वाई नॉट प्लस सिक्स वाई टू बारह वाई वन प्लस सिक्स वाई नॉट प्लस वाई थ्री थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई नॉट अब इन सब में देखिए आप कितना कितना है चो कौन सा टर्म्स कितने बार है वाई नॉट आठ वाई नॉट पॉजिटिव पॉजिटिव गिन लीजिए पॉजिटिव तो कितना हो गया चीजों को आठ से चौदह और तो कहीं वाई नाट है यहाँ पे है नहीं है आठ से चौदह और इलेवन माइनस तेरह तो यहाँ बचेगा कितने यहाँ पे वाई नॉट खाली खाली प्लस का वाई नॉट थ्री बाई एट वाई नॉट मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए चीज़ों को यहाँ पे तो खाली बचेगा मेरे पास क्या वाई नॉट पॉजिटिव क्योंकि एट प्लस सिक्स फोर्टीन माइनस ट्वेल्व टू माइनस वन अब बच्चा क्या बेटा मेरे पास यहाँ पे ए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट है चीजों को बचेगा क्या बेटा यहां पर चीजों को मेरे पास सिक्स वाई टू माइनस और थ्री वाई वन थ्री वाई वन और क्या आ रहा चीजों को वाई टू बचे यहाँ पे तो वाई टू सिक्स पॉजिटिव वाई थ्री नेगेटिव तो प्लस का थ्री वाई टू Y3 भी कैंसिल आउट हो गया चीजों को यहां पे माइनस का आया प्लस का आया यहां पे चीजों को बचे रहा क्या मेरे पास यहाँ पे वाई थ्री खाली वाई थ्री थ्री इतना आया चीजों को इतना मेरे पास यहां पे आ रहा है चीजों को अब आप खुद चेक कीजिए वाई थ्री आया मतलब यहां पे क्या चल रहा कि वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री आप क्या लोगे यहां पे वाई फोर फाइव वाई फाइव वाई सिक्स यहां चीजों को तो इस प्रकार से चीजों को यहां पे इंक्लूड कर सकता हूं चीजों को यस या नो यस या नो इस प्रकार से इंक्लूड कर सकता हूं चीजों को मैं यहां पे। तो क्या आएगा आप लोगों को दिख रहा है ना अब सिमिलरली 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 अपर लिमिट ये तीन तीन गैप है यहां पे अपर लिमिट सिक्स एच एंड एंड लोअर लिमिट लोअर लिमिट एक्स नॉट प्लस थ्री एच एक्स नॉट प्लस थ्री एच तो आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस थ्री एच एक्स नॉट प्लस सिक्स एच एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एच अब हम लोग डायरेक्टली सिमिलरली लिख देते हैं यहाँ पे तो कहाँ पर स्टार्ट करेंगे वाई थ्री वाई एट वाई थ्री वाई थ्री प्लस थ्री वाई फोर थ्री वाई फाइव प्लस वाई सिक्स वाई सिक्स डेट डेस्ट करके बेटे यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि अपर लिमिट डेट डे अपर लिमिट अपर लिमिट एक्स प्लस एच नॉट टू यह बेटा घट रहा है लोवर लिमिट लोवर लिमिट एक्स नॉट प्लस एच माइनस थ्री एक्स माइनस वन आप इस टर्म्स को ले सकते हैं चीजों को आप इस टर्म्स को लिमिट को यहां पे ले सकते हैं चीजों को यहां पे कोई आपसे कुछ नहीं बोल सकता चीजों को क्योंकि तीन का डिफरेंस आ रहा है चीजों को ठीक है हाँ सॉरी जो लिमिट ले रहे थे हम बेटा वहां पे स्टार्टिंग में तीन का डिफरेंस ले रहे थे यहां पे तो मेरे पास इतना आएगा चीजों को तो जो डायरेक्टली मेरे पास मैचिंग्स आ रही है आई इज़ इक्वल टू आई इज इक्वल टू बेटा यहां पे कितना आ रहा है यहां एन माइनस थ्री प्लस थ्री वाई एन माइनस टू प्लस वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन आप खुद देखिए मैं यहाँ पर तीन को ले रहा हूँ यहाँ पे सिक्स है तो मैं यहाँ पे तीन घटा रहा हूँ तब मेरा तीन आ रहा है यहाँ पे यहाँ पे कितना है यहाँ पे है, तो टू घटा रहा हूँ टू आया पे एक बना घटा रहा हूँ और यहाँ खाली यहाँ पे वाई एन आ गया चीजों को सारा क्या क्या है पे यहाँ पे बेटे डिपेंड कर रहा आपके लास्ट टर्म से आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से चीजों को तो मेरे पास यहाँ पे कितना है सिक्स थ्री है थ्री एन माइनस थ्री करूंगा यहाँ पे तो कितना जीरो आपके पास वाई नॉट आना चाहिए यहाँ पे बन चाहिए टू आना चाहिए यहाँ पे कितना तो यहां पे n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री वाई तो डिपेंड करता है कि बेटा के आपके लास्ट का क्या फॉर्म तो इस फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं यहां पर चीनों को अगेन ऑल एडेड द एरिया हम सारे एरियो को ऐड कर देते हैं हम इसमें नंबरिंग और डाल लेते हैं बेटे यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर कितना थ्री फोर एंड फाइव एंड फाइव एंड फाइव इक्वेशन नंबर वन प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इन सबको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे चिन्हों को इन, इन सब इन सबको बेटा हम ऐड कर देंगे यहाँ पे तो क्या आना चाहिए मेरे पास मेरे पास आएगा बेटा यहाँ चिन्हों को कि i इज इक्वल टू लोअर लिमिट बेटा हमें ए मान लेते हो अपर लिमिट इतना एफ एक्स इन टू डी इज इक्वल टू थ्री एच बाई एट इनिशियल बेटा कितना है आपके पास सिंगल वाई लास्ट बेटा कितना हो जाएगा यहां पे? वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस अब नोटिस कीजिए यहां कि थ्री से मल्टीप्लाई बेटा कौन कौन सी चट्ट है यहां पे वन है फोर्थ थ्री है और आगे वन टू वन वन टू फोर फाइव वन टू फोर फाइव थ्री वन टू फोर फाइव प्लस डॉट 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 अब प्लस टू टू के फाइव बेटा कौन कौन सा यहां पर चीजों को आप नोट कीजिए यहां पे एक तो मेरा बेटा सिक्स बार बार रिपीट हो रहा है अब सिक्स के बाद बेटा क्या आएगा चीजों को यहां पे अगेन सिक्स आएगा तो यहां पर रिपीट क्या हो रहा था थ्री थ्री सिक्स वाई थ्री प्लस वाई टू वाई सिक्स एन डॉट 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 इस प्रकार से बेटा हमारा फॉर्मूला ये निकल के आएगा कि y इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू थ्री एट बाई एट वाई नाट प्लस वाई एन थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई फाइव प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज और टू वाई थ्री प्लस वाई सिक्स डॉट 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 इस प्रकार से लिया जाएगा और बेटा मेरा होगा एट फॉर्मूला थ्री एट फॉर्मूला इस पे बेटा बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे इतना क्लियर हो गया इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना क्लियर हो गया बेटा एक चीज बेटा हमसे यहाँ पे पूछ सकता था चीजों को यहाँ पे ठीक है और तो कुछ ज्यादा इसमें कर, कुछ करना नहीं है एट का वाई माइनस का वाई माइनस यहाँ पे क्या थ्री का चीजों को यहाँ पे लास्ट तक आप चेक कर सकते हैं चीजों को तो चलिए इसको आप और नोटिस डाउन कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे तो लिख सकते इज नॉन सिप्सन दिफ इज नॉन दिस इज नॉन सिम्पसन थ्री थर्ड फॉर्मूला थ्री थर्ड फॉर्मूला थ्री थर्ड फॉर्मूला लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स एफ एक्स इंटू डीएक्स टू डिस्क्रीट फंक्शन या वाई बराबर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टू डिस्क्रिट फंक्शन डिस्क्रिट फंक्शन फंक्शन एक्स आई कोमो एक्स आई कोमो वाई आई आई इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डो डॉट इस प्रकार से बेटा हम फंक्शन को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं चीजों को चलिए आप इसको एक बार बताओ बता दिए बेटा फिर मैं आपको बताता हूँ चीजों को पूरा बेटा हो गया है इसके अलावा बेटा हमको उसमें कुछ और नहीं करना है उतारी बेटा

एक मिनट या दो मिनट लगता है सवाल को क्योंकि इसमें क्या होता है तो बेटा कब आएगा जब आपको कल से चलानी आनी चाहिए टेल बनाना तो मैं सिखा दूंगा बहुत ही जी होता है लेकिन आपको से चलाना तो खुद से ही आना चाहिए या नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए तो बेटा मैं आपको बता दूंगा कैल से चलाई कैसी जाती है विदाउट कैलकुलेटर आप कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में यहां तक कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं अब मैथमेटिक्स है, का पेपर होता है या का पेपर होता है है मैकेनिक्स ना यह, पेपर यह का पेपर हो गया सोम का पेपर हो गया थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर हो गया टोम तो विदाउट कैलसी नो एंट्री इन एग्जामिनेशन हॉल एग्जामिनेशन हॉल में जाने नहीं दिया जाता है विदाउट कैलसी तो समझ गए तो आप लोग तैयार रहिए और इस चीज को करते रहिए चीजों के यहां पे हो गया बेटा ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस सिग्निफिक हा बेटा इसमें आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस सिमसम थ्री एट रूल थ्री एट रोल अब ज्योमेट्रिकली तो लिख सकते हैं बेटे यहां पर थ्री एट रूल इसमें एक्चुअली होता क्या बेटा इसमें कुछ थ्री बेटा इंटरवल्स होते हैं One, इस प्रकार से बेटा कुछ बेटा इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है चीजों को इस प्रकार से बेटा यहां पे आपका ग्राफ बनता है जो बेटा आपको यहां पर दिखाई देता है कि हां तो यही होता है बेटा कस कि द सिमसन थ्री रूल द सिमसन सिमसन थ्री एट रोल थ्री एट रोल सिमिलरली वन थर्ड रूल फॉर्मूला वन थर्ड रूल रिप्लेस वाई आर्क इन आर्क इन थर्ड नॉमियल, मतलब जो थर्ड पॉलिनोम होता है बेटा उसको रिप्लेस कर देता है इंटरबल इंटरबल थ्री मल्टीपल थ्री मल्टीपल जो इसके इंटरवल होते हैं बेटा वो तीन से मल्टीपल होते हैं चीजों को मैं यहां पे इसको कई किताबों बेटा आपका फॉर्मूला इस प्रकार से बना है कई किताबों में कई किताबों बेटा किस बना है आपका ऐसे ऐसे बना हुआ चीनों को ऐसे बना हुआ है चीनों को तो हम और भी बेटे इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं चीनों को इस प्रकार से ऐसे बना हो चाहे ऐसे बना हो कई बार में स्ट्रेट लाइन खींच दी जाती है तो आप कैसे भी बना सकते चीजों को एफ एक्स बेटा यहाँ पे वाई बराबर एफ एक्स वन वाई टू बराबर एफ एक एक्स टू सॉरी वाई थ्री बराबर एफ एक्स थ्री ए इस प्रकार से लिया जाता है चीजों को एक अलग अलग बेटा क्योंकि तीन बेटा इसमें एरिया लिए जाते हैं चीजों को यहां पे ठीक है इट कैन बी ड्राइव लोबेस्ट ऑर्डर एरर इट कैन बी इट कैन बी लोबेस्ट ऑर्डर ड्राइव लोबेस्ट ऑर्डर ड्राइव इनर एरर इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू एरर एक्स नॉट कॉमा एक्स थ्री इक्वल टू माइनस थ्री पे पावर बेटा कितना थ्री थ्री एच पावर फाइव बाई एक्स पावर फाइव ठीक है या फाइव डैश लिख दीजिए यहाँ पे कोई इशू नहीं है

नंबर पूछा जाता है आठ नंबर में आता है कई पांच नंबर में आता है तो इतना आप वो मैं डायरेक्टली लिख देता चीजों आपको तो दे दे थ्री एट रूल्स सिमिलरली सिं वन थर्ड फॉर्मूला रिप्लेस द आर्क इन थर्ड पोलिनोम इन इंटरवल थ्री मल्टीप्लाई इट कैन बी लोअर ऑर्डर ड्राइव एक्स नॉट कॉमा

मैक्सिमम इधर ई माइनस थ्री पावर डेरिवेटिव अपॉन एट्टी एटी अब आपको मालूम है बेटा कि जब एट्टी बेटा इस प्रकार से हुआ करे तो हम उसको और भी कर सकते हैं चीजों को हम लिख सकते हैं चीजों को ई थ्री एन एन एच एच पावर फोर वाई अपॉन एटी माइनस और एन इक्वल टू क्या होता है बेटा यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही होता है तो इसकी जगह बेटा इसको लिख सकते हैं चीजों को एन थ्री बी माइनस ए एच पावर फोर अपॉन एट्टी वाई नॉट डेरिवेटिव और इसको लिख सकते हैं लेट इज इक्वल माइनस अपर लिमिट लिमिट अपॉन एट्टी इतना तो हम ई के इक्वल टू लिख सकते हैं चीजों को पी एच पावर फोर वाई नॉट ट्रिपल फोर ये चीजें आप इतना हम लोग यहां पे कर सकते हैं मैक्सिमम मेरे पास एरर आएगी बेटा चीजों को ठीक है इतना क्लियर हो गया तो जो इसके इंटरवल होगा बेटा जो मिनिमम इसके इंटरवल होंगे द नंबर ऑफ इंटरवल द नंबर ऑफ ऑफ इंटरवल एन बाई थ्री एन बाई थ्री ठीक है क्योंकि थ्री के मल्टीपल में यहाँ बेटा इंटरवल होने चाहिए चीजों को यहाँ पे थ्री के मल्टीपल में, मल्ट में इंटरवल होने चाहिए तो चलिए आप इसको और उतार लीजिए इसके बाद से इसमें सवाल करते हैं तो एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा सवाल कि हाँ इस प्रकार से चलिए उतारिए सवाल को हो गया बेटा हो गया बेटा हो गया बेटा चलिए बेटा एक सवाल देखते हैं यहां पर चुनो को अब हम यहां पर द यूजिंग एग्जाम्पल एवोल्यूट एवोल्यूट जीरो टू वन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यूजिंग दूजिंग द थ्री थर्ड फॉर्मूला थ्री एट फॉर्मूला 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 थ्री एट फॉर्मूला अब थ्री एट फॉर्मूला की बेटा बात चाहती है बाई

बी कितना बेटा यहां पे अपर लिमिट होता है यहां पर लिख देता हूं चीजों को बी इज द अपर लिमिट अपर लिमिट ए इज द लोअर लिमिट लोअर लिमिट यहां पर चीजों को एन

सिक्स इंटरवल, इंटरवल, इक्वल डिफरेंस इक्वल डिफरेंस तो एक्स इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा पहले तो हम यहां पे चेक करेंगे यहां पे। तो एक्स जीरो वन बाई सिक्स टू बाई सिक्स थ्री बाई सिक्स फोर बाई सिक्स फाइव बाई बाई सिक्स 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 आउट इज इक्वल टू वन तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे जीरो वन बाई सिक्स टू बाई सिक्स थ्री बाई सिक्स फोर बाई सिक्स सिक्स फाइव बाई वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है बेटा जीरो बेटा वन के बीच में हमने ला दिया यहाँ पे तो इतने हमारे एक्स की वैल्यू आएगी

1 1 6 का करेंगे डायरेक्टली इसको आप डायरेक्ट कैलसी से करेंगे, करेंगे यहां पे तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे या फिर मैं यहाँ पे टू बाई सिक्स करता हूँ यहाँ पे तो कितना आएगा चीजों का यहाँ पे मेरे पास वन अपॉन वन प्लस टू बाई सिक्स का होल स्क्वायर

पॉइंट नाइन थ्री बाई सिक्स आएगा तो पॉइंट एट और ए आएगा फोर बाई थ्री फोर बाई सिक्स सिक्स आएगा मेरे पास कितना पॉइंट पॉइंट नाइन और मेरे पास फाइव बाई सिक्स ए आएगा मेरे पास फिफ्टी नाइन और मैं एक और लिख देता हूं यहां पर डायरेक्टली लास्ट में आया कि जब x इक्वल टू आप वन पुट कर रहे हो तो y इक्वल टू कितना आएगा पॉइंट फाइव आएगा जी बिल्कुल इतना इतना मेरे पास टेबल में निकल के आएगी तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो अब मैं डायरेक्टली मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे क्या फॉर्मूला था मेरे यहाँ पे फॉर्मूला था i इज इक्वल टू एंड प्लस थ्री वाई वन वाई टू वाई फोर वाई फाइव डॉट डॉट वाई एन माइनस टू यही तो था यस yes या नो यही था कि नहीं था आपके पास फॉरी हाँ ठीक तो है ब्रैकेट्स और यहाँ पर टू वाई टू y6 y n 1 ये था चीनों को ये हमारे पास फॉर्मूला था अब मेरे पास यहाँ पे कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 अब 7 है तो y नॉट निकल आया चीनों को यहाँ पे और y7 a वाला इसके वाला पता चलेगा यहाँ पे चीनों को अब 3 के साथ कौन-कौन टर्म -कौन टर्म्स जाएगा 3 के साथ कौन-कौन से टर्म्स जाएगा ये तो आपको मालूम ही है, है यहां पे ठीक है ना तो i थ्री एच बाई एट ए वाई नॉट प्लस वाई सेवन अब थ्री के बाद कौन कौन से यहां पे थ्री नहीं है और बाकी सारे टर्म्स ले लेंगे यहां पे थ्री वाई वन वाई टू वाई फोर वाई फाइव प्लस टू प्लस टू और वाई थ्री आप चेक कीजिए यहां पे Y1, वन वाई नॉट आएगा ना यहाँ पे सॉरी सिक्स ठीक है तो आगे बेटा चीज रुके यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे आ गया लास्ट टाइम हमारे पास इतना आ गया क्योंकि ए बेटा किसकी वैल्यू है मेरे पास लिख देता हूं मैं आपको बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को वाई नॉट वाई वन वाई Y4, Y5, और बेटा बेटा इतना इतना है है मेरे मेरे पास Y6. Y6 मेरे पास इतना है। तो I equal to हम यहाँ पे कर सकते चीजों को चलिए हम ऑल द बेटा वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते चीजों को अब सारी सारी वैल्यू पुट करेंगे चीजों को यहाँ पे हम आई इज इक्वल टू थ्री एच वन बाई सिक्स इंटू एट ठीक है बेटा तो आई नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास जीरो वन वन पॉइंट फाइव प्लस थ्री इनकी वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास पॉइंट नाइनटी सेवन पॉइंट नाइन्टी सेवन प्लस पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन प्लस थ्री की वैल्यू तो मुझे लेना नहीं बेटा यहाँ पर ये वाली नहीं लेना है 0.69, सिक्स नाइन पॉइंट सिक्स नाइन प्लस पॉइंट फिफ्टी नाइन पॉइंट फिफ्टी नाइन ब्रैकेट प्लस टू वाई थ्री वेलू कितने हैं आप को पॉइंट एट पॉइंट एट आप लोग कैल्स से कीजिएगा तो इजली जल्दी हो जाएगा इतना थ्री बाई अठतालीस एट वन पॉइंट फाइव प्लस थ्री इस कसम कीजिए पहले तो आप यहाँ पे फाइव नाइन 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 एट एट एटीन एटीन ट्वेंटी फाइव टू कैरी एलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी थर्टी वन इतना प्लस इसके बटे कितना होगा वन एट ठीक है इसका और भी मल्टीफिन कर सकते चीजों को आप यहां डायरेक्टली काटिए टू सोलह पांच, एक, पांच एक तीन एक तीन, एक तीन, एक तीन, एक तीन, एक तीन चार और तीन तरह प्लस वन पॉइंट प् सिक्स एड कीजिए यहाँ पे चीनों को तो अब मैं डायरेक्टली एड कर देता हूँ यहाँ पे कि 1.50, 9.45, 1.60, पाँच नौ पाँच पंद्रह पाँच पंद्रह एक दो ग्यारह बारह बारह सौ पैंतीस बड़े बैठे सोलह Into .55. बस अब इसको हम कट कर देंगे आंसर निकल आएगा जो मेरा आंसर निकल के आएगा मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आप खुद देखिए यहाँ पे चीजों को इतना बड़ा सवाल नहीं हो तो बस यहाँ पे देखिए अब मेरे पास यहाँ पे कैलसी तो है नहीं है तो मैं डायरेक्टली अपने फोन से ही कर सकता हूँ चीजों को लेकिन आप लोगों के पास वहां पे कैलसी होगा तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं पॉइंट एट फोर थ्री इतना आया आपका वन थर्ड थ्री एट फार्मूले के द्वारा थ्री एट फार्मूले के द्वारा थ्री एट फार्मूले के द्वारा चलिए आप इस सवाल को उतार लीजिए एक अच्छा सवाल होने के नाते ये था सवाल आपका एग्जांपल इसीलिए मैंने बताया कि बिदा बेटा आप एग्जाम्पल से करते हैं और डायरेक्टली उसको देखते हैं चीज़ों को क्वेश्चंस को तो एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा चीजों को क्योंकि पहले आप डायरेक्शन करेंगे इसके बाद से डायरेक्शन क्या होता है कि सवाल लगाने के लिए एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करा देता है आपसे कि हाँ इस, इस, इस स्टेटमेंट में आपको सवाल को लेना है चीजों को चलिए इसको उतार लीजिए आप बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को, को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिना किए जाना मत बस आप लोगों से यही होता है कि आप लोग बस इतना ही कर दीजिए कि शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए ठीक है रहे और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो जितना सके हो सके उतना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर रही है घर में जितने भी फोन हो कॉपी हो सब कुछ ओपन कर लीजिए और इन सवालों को देखिए मत आप देखने के साथ 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 प्रैक्टिस भी करिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला बोल रहा हूं दोबारा बात को रिपीट करता हूं जब तक इन सवालों को आप अगेन प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है फायदा तभी होगा जब आप प्रैक्टिस पूर्ता कर लेंगे चीजों को ठीक है आई गॉट गया होगा तो इसको आप उतारिए और चाहे स्क्रीन लीजिए और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो बने रहिए हमारे साथ